एक दिन छुट्टी एक दिन क्लास का मजा खत्म। 1 मार्च से रेगुलर क्लासेस स्कूल हफ्ते में 5 रोज खुलेंगे। फैसला कोरोना की संगीनी में कमी की रिपोर्ट पर किया गया। 15 मार्च से कारोबारी मराकज, शादी हॉल्स, मार्कीज और सिनेमा घरों, थिएटर पर से भी पाबंदी खत्म। NCOC के फैसले पर हाईकोर्ट ने दायर दरख्वास्त वापस ले ली गई। दुनिया में कोरोना 20% सुकड़ रहा है। पाकिस्तान में सूरत हाल मुख्तलिफ है, एहतियात करें, कहीं कोरोना पलट कर वार ना करते। BC UHS प्रोफेसर जावेद इकराम ने पेशगी खबरदार कर दिया। कारोबारी सरगर्मियां SOP से मशरूफ करने का मुतालिबा। कोरोना से अमवात का सिलसिला भी जारी। 24 घंटों में मजीद 11 जाँ बहक, 278 नए मरीज रिपोर्ट। चेयरमैन रेलवे हबीब गिलानी टेस्ट मुस्बत आने पर क्वारंटीन हो गए। MPA नदीम मलिक कामरान भी वायरस का शिकार। आलूदा तरीन लाहौर में सांस लेना दुश्वार। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम लाहौरियों के गमगुसार। शहरियों के लिए जीने का हक मांग किया। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के केस की समाप्त पर बोले, शहरी इदारों ने शहर का सत्यानाश कर दिया। कुछ नहीं तो लाहौरियों को अच्छी हवा ही दे दें। शहर में कब्रिस्तानों के कयाम पर पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली। हाथ उठाया ना ही वोट छुपाया, सेनेट इलेक्शन या सिलेक्शन। पंजाब के तमाम 11 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। PTI इतिहाद 6, नून लीग के हिस्से में 5 नशिस्तें आईं। सैफुल्ला नियाजी, एजाज चौधरी, ओन अब्बास, बैरिस्टर अली जफर कामयाब। काफ लीग के कामिल अली आगा मुंतखब। आजम नजीर तारर, साजिद मीर, इरफान सिद्दीकी, अफान खान शामिल। खातीन की नशस्तों पर डॉक्टर जरका और सादिया अब्बास मुंतखब। नोटिफिकेशन 3 मार्च को होगा। फिलहाल अदम एतमाद का खेल नहीं खेल रहे। सेनेट इलेक्शन एजेंडा है, कठपुतली हुकूमत को जल्द घर भेजेंगे। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की जाती उम्र में मीडिया टॉक। दोनों रहनुमाओं का यूसुफ गिलानी को सेनेट इंतखाबात जिताने का अज़्म। बिलावल भुट्टो का PP की हिमायत पर नवाज शरीफ का शुक्रिया। जमानत मंजूरी पर हमजा को मुबारकबाद। जाती उम्र मुलाकात में हुकूमत के दांत खट्टे करने के लिए हिकमत अमली फाइनल। इलेक्शन कमीशन का फैसला राजकुमारी के बयानिए की मौत साबित हुआ। मुजरिम लीग माहौल कशीदा करके नफरत फैला रही है। फिरदौस आशिक के ऐवान के तनकीदी वार, कहा ऑपोजिशन का हर सियासी बोना झूठा। मीडिया पर जो चाहे बोलता है, जहां झूठ का प्रचार होगा वहां सच्ची बात आवाम तक पहुंचाएंगे। जीत या हार, तख्त या तख्ता, अभी नहीं तो कभी नहीं। सेनेट इलेक्शन का कड़ा मरहला लाहौर सियासत के भूचाल में आ गया। बिलावल के बाद वजीर आजम का एंट्री प्रोग्राम। वोट पक्के करने के लिए अराकीन असेंबली से मिलेंगे, शिकायत का अजाला करेंगे। गवर्नर हाउस में चौधरी सरवर और काफ लीग के तारिक बशीर चीमा की मुलाकात। सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक हिकमत अमली पर गौर। वजीर आजम के हमराह श्रीलंका जाने वाला वफ्द वापस पहुंच गया। वफ्द में ग्रुप लीडर एप्टिमा गौहर एजाज समेत हामिद जमान, फवाद अनवर, जफर इकबाल, नकी बारी, मेहताब चावला और दीगर कारोबारी शख्सियात शामिल थी। कारोबार बेशुमार, रोजगार का रोजगार। जेल रोड के 18 कनाल रकबे पर बुलंदोबाला इमारत बनाने का फैसला। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मनसूबा प्राइवेट पार्टनरशिप के ताबुन से मुकम्मल होगा। इमारत में सरकारी और निजी दफातर, सिनेमा थिएटर, शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेंट भी तामीर होंगे। फिजिबिलिटी रिपोर्ट तलब कर ली गई। खस्ता हाल और तबाह हाल तालीमी निजाम पर पंजाब बोर्ड का शकून। बड़े डाके की तैयारी। अमली इम्तिहानात लाने के फैसले के बावजूद प्रैक्टिकल कॉपीज की इशात सवालिया निशान। 30 करोड़ की छुपाई का ठेका। मंजूर नजर अफराद को देने के लिए समरी की तैयारी। असातिज़ा की मुखालफत, 25 लाख प्रैक्टिकल कॉपीज की छपाई रोकने का मुतालबा। जेरे जमीन पानी की किल्लत, बेदरेक इस्तेमाल रोकने का मंसूबा नाकाम। हुकूमत 3 साल बाद भी वाटर मीटर ना लगा सकी। 10 अरब के प्रोजेक्ट के लिए सरमायाकार ही ना ढूंढा जा सका। आइंदा माह इन्वेस्टमेंट की एक और पेशकश की जाएगी। जेल अमला, जेल में कम, अफसरान के घरों में ज्यादा। कैंप और कोर्ट लगभग जेल में वार्डर्स की किल्लत पर वजीर आला का नोटिस। गैर सरकारी ड्यूटी से वार्डर्स की फौरी वापसी के लिए IG को हुक्म, शाम तक रिपोर्ट मांग ली।
पहले ब्लैकलिस्ट करने का नोटिस, फिर यकदम अदायगी। महकमा एक्साइज का यू टर्न, 2,60,000 स्मार्ट कार्ड की डिलीवरी के लिए 10 करोड़ की खतीर अदायगी, रकम मिलने पर जेर इल्तवा। 4 लाख कार्ड की तकसीम के लिए प्रिंटिंग शुरू हो गई। महंगी बिजली ने शरीफ फैमिली को भी झंझोर डाला, जाति उमरा को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का फैसला। सोलर एनर्जी के लिए लेस्को को दी दरख्वास्त मंजूर, 500 किलो वॉट के लिए लाइसेंस जारी। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की जेर सदारत इजलास, 88 नए सेहत मराकज बनाने की मंजूरी। इजलास में सेक्रेटरी सेहत नबील ऐवान, सेक्रेटरी जनूबी पंजाब मोहम्मद अजमल की शिरकत। घर बैठे अद्वियात मंगवाएं, ब्लड सैंपल भेजें। महकमा डाक और हेल्थ डिपार्टमेंट के दरमियान सर्विसेज की फराहमी के लिए मुआहदा। पोस्ट मास्टर जनरल सेंट्रल पंजाब ख्वाजा इमरान रजा कहते हैं, पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट से मुआहदे से जहां रेवेन्यू में इजाफा होगा, वहीं महकमा डाक का एतमाद बहाल होगा। फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए खुशखबरी, पंजाब फूड अथॉरिटी का 3 लाख रजिस्टर्ड फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को ट्राइफेड की वैक्सीन मुफ्त लगाने का फैसला। डीजी फूड अथॉरिटी रफाकत अली निस्वाना कहते हैं, फूड हैंडलर को टाइफाइड वैक्सीन लगाने से बीमारी का फैलाव रोका जा सकेगा। लाहौर बोर्ड में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए 5 रोजा वर्कशॉप, स्टाफ को कोविड कॉन्फ्रेंस टेक्नोलॉजीज, नतायज की तैयारी के लिए स्कैनिंग और कंप्यूटर नेटवर्किंग की ट्रेनिंग दी गई। चेयरमैन डॉक्टर मिर्जा हबीब अली का कहना था कि दफ्तरी अमूर में बेहतरी के लिए स्टाफ की रेगुलर बुनियादों पर ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ऑल रोड मार्केट में बिजली की तवील और गैर ऐलानिया लोड शेडिंग, 6 घंटे बिजली बंद रहने से ताजिर परेशान। बिजली की बंदिश पर ताजिरों का सदर खिदमत ग्रुप बाबर महमूद ने बिजली वर्किंग डे की बजाय इतवार के रोज बंद करने का मुतालबा कर दिया। सेनेट में नून लीग के उम्मीदवार आजम नजीर तारड़ के एजाज में इस्तकबालिया, मेंबर पाकिस्तान बार हफीजुर रहमान चौधरी के इस्तकबालिया में एहसन भोन, आबिद साकी, बाबर वही, पीर मसूद चिश्ती, मलिक मोहम्मद अहमद कयूम समेत दीगर वकला शरीक। आजम नजीर तारड़ कहते हैं, मेरी सेनेट में नुमाइंदगी आसमा जहांगीर के नजरिए की जीत है, अपनी जीत को इंडिपेंडेंट ग्रुप और आसमा जहांगीर के नाम करता हूँ। जीसी यूनिवर्सिटी में पश्तून कल्चरल फेस्टिवल का इनेकार, सकाफी फेस्टिवल में रियायती ड्रामा और मौसीकी के प्रोग्राम पेश किए गए। वाइस चांसलर डॉक्टर असगर जैदी ने सकाफत के फरोग के लिए 23 मार्च को पाकिस्तान कल्चरल फेस्टिवल के इनेकाद का ऐलान किया। साइकिल चलाओ, फिटनेस बनाओ, संडे फैमिली इवेंट पर साइकिलिंग के फरोग का फैसला। 6 मुकाबलों की मंजूरी, बच्चे बड़े खातीन प्रोफेशनल्स और एमेच्योर साइकिलिस्ट के लिए शिरकत का मौका। गुलबर्ग का मेन बुलेवर्ड ट्रैक बनाया जाएगा।